हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुरमुरे नमकीन। ये टी टाइम का बहुत बेहतरीन स्नैक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे। उस पर मैंने डाला है 1 चम्मच घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बाउल कच्ची मूंगफली यानी ड्राई पीनट्स। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में मूंगफलियाँ भूनेंगी तो हाई फ्लेम में मूंगफली भूनने से क्या होगा कि मूंगफली बाहर से तो पक जाएगी पर अंदर से वो कचकची रहेगी, और अगर आप लो फ्लेम पे भूनेंगे तो जो मूंगफली होगी वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मूंगफली हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। इसको अच्छे से चला लीजिए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और थोड़ी सी क्रैकल होनी स्टार्ट कर जाए। मूंगफली ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, ये देखिए परफेक्ट क्रैक्चर। अब हम इसको अलग अलग प्लेट पे निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब मैंने सेम कढ़ाई ली है, इसमें मेरा घी बच गया। अगर आपका घी नहीं बचा है तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिए। मूंगफली मैंने अलग से निकाल ली है। आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल ना करें, या तो सरसों के तेले बनाएं, और घी से तो बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर दोनों आता है। अब मैं डालूंगी 1 पिंच हींग। हींग डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मस्टर्ड सीड यानी छोटी राई। आप चाहें तो बड़ी राई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इसको क्रैकल होने देंगे, हिला लीजिए। इसके बाद हम इस पर डालेंगे हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल दीजिए, और बहुत सारी करी लीव्स। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और वो एकदम एनहांस होके आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब डालते हैं इस पे मसाले। हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी। गैस का फ्लेम लो कर लीजिए। 1/2 छोटी चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर लीजिए। मसाले भूनते समय हमेशा गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे। मसाले पक चुके हैं। अब मैंने ले रखा है 1 बॉल मुरमुरा। अब हम इस पर मुरमुरा ऐड करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये नमकीन बहुत ही अच्छी बनती है और टी टाइम के लिए परफेक्ट स्नैक है ये। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला जो है वो मुरमुरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस पर डालेंगे जो हमने मूंगफलियाँ रोस्ट करके रखी है, अब हम वो इस पर ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। मिक्स इट वेल। एक दो बार अच्छे से मिला लीजिए ताकि चाट मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी का भूरा यानी पीसी हुई चीनी। इससे ये मीठा नहीं होगा, बस इसका फ्लेवर जो है टैंगी रहेगा, थोड़ा बैलेंस रहेगा और बहुत अच्छा आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत कुरकुरी एकदम मुरमुरा नमकीन बनके रेडी हो ही गई है ऑलमोस्ट। बस ये 5 मिनट में रेडी हो जाती है, एकदम झटपट रेसिपी है। अब हम इसको बंद कर लेंगे गैस का फ्लेम और इसको आइए इसकी प्लेटिंग करें। तो देखिए मेरी करारी मुरमुरे की नमकीन बन के रेडी हो चुकी है। और जब भी आपको कभी छोटी छोटी भूख लगे, और बच्चों के लिए तो परफेक्ट स्नैक है, बाहर का कुछ देने से अच्छा है आप इधर उधर के कुछ चिप्स वगैरह देते हैं, तो इस टाइप की नमकीन अपने बच्चों को बना के दीजिए, इसको खाइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और वो जो घंटी बगल में है ना दोस्तों, उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन।